तो मैं और सौरभ राहुल का बाइक लेके निकल गए सन टेम्पल की ओर। कि कल राहुल ने बातों बातों में कहा कि सन टेम्पल में 15 मीटर का वाटरफॉल गिर रहा होगा। अच्छा, रास्ते में हम लोग ने लंच किया 50 रुपए में पेट भर के टेस्टी खाना। सो गाइस, हम लोग घूमते घूमते ये भूल गए कि हम लोग को गाड़ी में तेल भी भरवाना है और हम लोग अभी फंस गए हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए गलता जी के एंट्री गेट पर। तो स्वागत है आप सभी को सन टेम्पल मंकी टेम्पल जयपुर इंडिया। तो आज हमें जानने को और देखने को मिलेगा गलता जी मंदिर, गलता जी के कुंड, हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर, और हम जानेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बहुत डिटेल में, और सनसेट फ्रॉम द टॉप ऑफ जयपुर। तो यहाँ से हमारी यात्रा सन टेम्पल के लिए शुरू होते हैं। हमारी ट्रैकिंग अराउंड 6 किलोमीटर की होगी। चलिए थोड़ा टाइम लैप्स और फोटोशूट किया जाए। सो गाइस, अराउंड 1 to 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग है मैक्स ऊपर जाने के लिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग वाटरफॉल देखने को मिलता है, सब दिखाएंगे वीडियो में आपको। अभी नीचे उतर रहे हैं स्ट्रेट आके, वो है वाटरफॉल की तरफ। हम लोग पतली सी लाइन पे अब चल चल के जा रहे हैं, ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसीलिए चल रहे हैं इसमें। तो गाइस, बाइक से भी हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं पूरा रास्ता, बट मोस्ट प्रॉब्ली अभी वो पूजा है, इसके वजह से वो छोड़ नहीं रहे अंदर, तो इसके वजह से हम लोग को चल चल के सब आना जाना पड़ रहा है। जंगल है यहाँ पे, तो जंगली जानवरों का भी खतरा है, तो थोड़ा देख के उतरिएगा यहाँ से। गलता जी के एंट्री गेट के राइट साइड में आपको हनुमान मंदिर देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग प्रस्थान करने वाले हैं गलता जी के कुंडों की तरफ। अरवली पहाड़ों के बीच में है ये मंदिरों का समूह। तो चलिए जानते हैं गलता ऋषि मंदिर के बारे में। माना जाता है ब्रह्मा के पौत्र गालव नाम के ऋषि ने 60,000 वर्षों तक तपस्या करके गंगा कुंड को प्रकट किया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे गुप्त गंगा बहती है और आज भी यहाँ तपस्या साधु योग करते हैं गुफाओं। यहाँ पे कुल मिला के 7 कुंड हैं। तो अब हम आ चुके हैं सूर्य कुंड को, जो यहाँ का सबसे पवित्र कुंड माना जाता है। नहीं डगे, यहाँ की ब्यूटीज देख के ऐसा लगता है कि यहीं रह जाओ। मतलब पुराने काल में कैसे चीजें बनाई जाती थी, पहाड़ों के बीच में ऐसे मॉन्यूमेंट्स रहती थी, लाइक इट्स कम्प्लीटली द इंडियन हिस्ट्री। बीच में बंदर लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। ये मंदिर श्री राम गोपाल भगवान के अवतार का मंदिर है। कैसा लग रहा है तुमको ये सब चीज देख के, मतलब क्या समझ में आ रहा है, मतलब क्या फील कर रहे हो तुम? पहले जयपुर में रहता था, वो सब यादें वापस आ रही है। मुझे सब दिखाई दे रहा है यहाँ के। और इन चीजों के बारे में क्या बोलोगे? 4 साल बाद यहाँ आया। इन चीजों के बारे में क्या बोलोगे? इन चीजों के बारे में हरियाली हो गई है, पहले थोड़ी हरियाली कम थी, बारिश हो गई है शायद इसलिए हुई है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ट्रैकिंग कर करके पूरा पसीना निकल रहा है, हालत ख़राब हो गया पूरा दोनों का, बहुत चढ़ाई और उतराई, फिर चढ़ाई हो जा रहा है। और सन टेम्पल अभी जाते हैं, विजिट करते हैं, कैसा रहता है देखते हैं, वीडियोस दिखाते हैं। लेकिन शानदार वीडियोस आया है, मतलब जो महल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पूरा ओम शांति ओम का जो ट्यूनिंग बजते रहता है, पूरा वैसे टाइप का फील आ रहा है एकदम। और एक्सप्लोर कर रहे हैं राजस्थान को मस्त जुलाई में। A few moments later, थक के हालत खराब हो जा रहा है पूरा, इतना चढ़ाई है पूरा से। मैं यहाँ से लेकर सीढ़ी आऊँ? बाप रे, यहाँ से मानी यहाँ से सीढ़ी हट। नहीं आ रहा है, मैं भी गया हूँ। मैं नहीं गया था, मैं 2-3 बार जा रहा हूँ। बुआ हालत खराब ही गला ना हो माँ, अगर व्यूज देखोगे सामना रे के नदी सूजी दिल खुश है जीवो। तो एटा मोर सामना रो व्यू है, कण कहमी आओ किसी कहवा लेने न, सनसेट मिस कर दूँ ऊपर के नहीं गला बेले जो से। जब जब दर्द का बादल छाया,
जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है। तो फाइनली हम लोग सन टेंपल आ चुके हैं जयपुर। क्यों थक रहा तू? तो अब हम आ चुके हैं सूर्य मंदिर, जो कि 18 स्तंभ पे बनी हुई है। ये मंदिर सफेद बलुआ पत्थर से बनाई गई है। सूरज की पहली किरण इस मंदिर पर गिरती है। माना जाता है कि इस मंदिर का पहले निर्माण हुआ, उसके बाद जयपुर का। यहाँ पे सूरज भगवान और संध्या माता दोनों को पूजा जाता है। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जहाँ होती तो जहाँ भी लुटाते जाते। अब तो इस शहर का हर पत्थर मुझे पहचानता है। उम्र गुजरी है तेरे शहर से आते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते। सो गाइस, साइनिंग ऑफ विद द बिगिनिंग ऑफ जयपुर। अभी तो जस्ट जर्नी शुरू हुई है भाई, बहुत सारे चीज़ों को डिस्कवर करना है। आने वाले ब्लॉग में आपको बहुत खतरा भी दिखेगा, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सीनेरियर दिखेंगी, हिस्ट्री दिखेंगी, हेरिटेज दिखेंगी, एवरीथिंग। और डरावना ब्लॉग इसके बाद आने वाला है, जो कि है भानगढ़ का। सो उसके लिए तो स्टे ट्यून बनता है, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम लोग नाइट स्टे करेंगे वहाँ पे और एक्सपीरियंस देखते हैं कि सच में जो वीडियो वो वैसे बनाते हैं वही वीडियोस वैसे ही होता है या 2000 फेक। सो आज पर्दा साफ करते हैं सब चीज़ों का। एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। साइनिंग ऑफ फ्रॉम जयपुर। दी एंड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।